हर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद संख्या 172 हो गई है। आगरा में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। एपी सेंटर पारस अस्पताल से फिर एक जुड़ा नया आंकड़ा सामने आया है। अब तक 5 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है और 11 मरीज सही होकर घर जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब ये आंकड़ा 172 हो गया है। आपको बता दें कि 5 नए केस सामने आए हैं और जो पारस अस्पताल है इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है, वहां से जुड़ा हुआ नया मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अब ये आंकड़ा 172 हो गया है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। बिल्कुल साफ तौर से अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में प्रतिदिन रोजाना कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आज जो ये संख्या है 172 हो चुकी है, जिसमें कि 5 लोग आज के दिन आज पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक पारस अस्पताल से संबंधित है और जो पहले कोरोना संक्रमित थे, 2 उनके स्वजनों से संक्रमित है और 2 अन्य ये मरीज हैं। तो कुल मिलाकर 5 ये नए पॉजिटिव हैं और 172 ये आंकड़ा हो चुका है। यदि लगातार ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। और अगर बात की जाए आगरा की, तो 11,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें 5800 लोग शहरी क्षेत्र के हैं और 5200 लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। 803 लोगों पर नजर रखी जा रही है, होम स्क्रीनिंग कराई जा रही है और ये वो लोग हैं जो आगरा में जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ चिन्हित किया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ घर घर जाकर सैंपल ले रही है। प्रशासन पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से आंकड़े को रोका जाए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ दिन में और बढ़ोतरी जरूर होनी है कोरोना मरीजों में, क्योंकि 11,000 लोग जो होम क्वारंटाइन हैं उनके भी सैंपल लिए जाने हैं और जो 803 लोग हैं जो हॉटस्पॉट इलाकों में हैं उन पर साफ तौर से नजर रखी गई है। तो सैंपल जाने के बाद उनकी रिपोर्ट आना है, तो कुछ दिन तक ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, ये अंदेशा लगाया जा सकता है। लेकिन बात की जाए अगर प्रशासन की, तो 57 हॉटस्पॉट में से 11 हॉटस्पॉट को कल देर रात को हटा दिया गया। 46 हॉटस्पॉट इलाकों में नजर रखी जा रही है। पूरी तरह से यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस और एक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनको हिदायत दी जा रही है घर के अंदर रहें। 11 लोग अभी तक यसी कुल मिलाकर सही हो चुके हैं, जो कि कोरोना की लड़ाई से जंग जीत चुके हैं। देर रात 2 लोगों की छुट्टी कर दी गई, तो 11 लोग अभी तक जो हॉस्पिटल से अपने घर जा चुके हैं। यसी अजेंद्र, लगातार मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है, जो पारस सेंटर इस वक्त एपी सेंटर बना हुआ है वहां से अभी तक जो लिस्ट जारी की गई है उसमें भी कितनों की रिपोर्ट आनी बाकी है, या फिर और नए जो मरीज है उनके भी सैंपल लिए गए हैं? ऐसे देखिए अगर बात की जाए आगरा की, तो जमातियों के बाद एक पारस हॉस्पिटल एक ऐसा एपिसेंटर है जो आगरा के लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन आगरा के आसपास के एक दर्जन भर जिलों के लिए मुसीबत बन बैठा है, जिसमें कि मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, सुखाबाद, औरैया जैसे ऐसे कई अन्य जिले हैं जहाँ पर जहाँ के लोग यहाँ पारस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे या अपने मरीज के तीमादार के रूप में आए थे। तो प्रशासन ने आगरा के साथ साथ जो अन्य जिले हैं वहाँ भी सूचित किया है, उन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जो लोग पारस अस्पताल से संक्रमित हैं। तो लगातार जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल से संक्रमित जो लोग मिल रहे हैं उनकी संख्या पारस हॉस्पिटल से अभी तक 25 हो चुकी है। वहीं आगरा के एक प्राइवेट डॉक्टर की ओपीडी से मिलने वालों की संक्रमित की संख्या 5 हो चुकी है। और फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए, तो ट्रैवल एजेंट गाइड जो जावेद है उससे संक्रमित होने वालों की संख्या 23 हो चुकी है। तो ऐसी प्राइवेट अस्पतालों से संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक बड़ी मुसीबत यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे अस्पताल, पारस अस्पताल जो है एक बड़ी मुसीबत बन के आया है, क्योंकि इस तरह से लोगों के संक्रमित होने का खतरा
क्योंकि मरीज से मिलने के लिए काफी तीमादार आते हैं। प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है कि आखिर इस अस्पताल में जो लोग एडमिट थे उन लोगों से मिलने कौन कौन लोग आए थे, तो काफी बड़ी जो कार्रवाई है यहाँ प्रशासन करने के कुछ मूल में भी लग रहा है कि इस अस्पताल के खिलाफ भी शायद कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी जो बड़ा काम है वो इस अस्पताल से संबंधित लोगों की सूची बनाना एक सबसे बड़ा काम है। यसी अजेंद्र, अगर हम हॉटस्पॉट एरिया की बात करें, जो हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की किस तरीके से नजर है और सैनिटाइजेशन का कार्य कैसा चल रहा है? क्योंकि लगातार जब हम आपसे बात करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि सैनिटाइजेशन का कार्य ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या अब नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का कार्य सही तरीके से किया जा रहा है? इसी लॉकडाउन के पालन कराने की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि अब जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, और जो जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है उसके घर पर वो नोटिस चस्पा किया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी फर्क आगरा में देखने के लिए मिला है, क्योंकि बेइज्जती के डर से जो पड़ोसी हैं वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस का ये तरीका था कहीं ना कहीं लोगों के डर के लिए काम आया है, क्योंकि लोग डर की वजह से अब उन इलाकों में जहां लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे थे वहां नहीं निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम लगातार हॉटस्पॉट इलाकों में तो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आगरा में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया या जो लोग हैं उनका लगातार ये शिकायत है कि हमारे इलाके में अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि आगरा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ और ना ही उनकी कोई सुनवाई भी अभी यहां पर हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पे लोग अपनी जो तकलीफ है वो उसको वायरल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम कई बार कहने के बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। पुलिस का जो तरीका है, पुलिस ने पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, लेकिन जैसी एक बड़ी बात है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, बढ़ती हुई गर्मी उन पुलिस कर्मियों के लिए थोड़ी परेशानी का सबब जरूर बनी हुई है, क्योंकि इतनी धूप में भी सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी करना, वो भी लगातार बिना टाइम, कोई टाइम नहीं है, 24 घंटे की यहाँ ड्यूटी चल रही है, तो एक धूप भी थोड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन पुलिस मुस्तैदी से, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं साफ तौर से ड्रोन से नजर बनाए हुए हैं, हर एक जो जिले के कप्तान हैं उन्होंने जिले थानेवार जिम्मेदारी दी हुई है कि कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। SSP आगरा ने एक मोहल्ला कमेटी बनाई जिसमें कि एक कमेटी में 5 लोग किए गए हैं, वो 5 लोग प्रशासन और पुलिस की पूरी तरह से मदद करने के लिए बनाए गए हैं कि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो हमें सूचना दी जाए, या अगर कोई संदिग्ध है तो उसकी भी सूचना दी जाए। तो पुलिस का काम बखूबी यहाँ आगरा में अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस की प्रक्रिया सफल हो रही है। जैसी जी बिल्कुल अजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को ये बात समझनी होगी कि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरीके से आगरा में बढ़ रहा है, 172 मरीजों की संख्या हो गई है, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अपने घरों में रहें, खुद को सुरक्षित करें, आस पड़ोस को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका। लॉकडाउन शुरू होते से मैंने देखा कि लोग थोड़ी टेंशन में हैं और वो घर का राशन जरूरत से ज्यादा ही अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूपी में सब कुछ उपलब्ध है। जो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉकडाउन की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और शासन के द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।
की न्यूज़।